पेशावर का रुख कर लेते हैं हम, और हमारे साथ पेशावर से मौजूद है अज़्म रहमान मौजूद है। अज़्म बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और कैसा रश देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम चिड़ियाघर में इस वक्त मौजूद हैं। ईद का पहला दिन है, पेशावर का मौसम काफ़ी खुशगवार है और हम यही देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा पेशावर ही चिड़ियाघर में पेशावर के उमड़ आया है। बच्चे हों, बड़े हों या ख़वातीन हों, तमाम तरकर का ही रश हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर प्ले एरिया में बच्चे ख़ास तौर पर जो है वो लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। झूले मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर लगाए गए हैं जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे जो है वो खूब झूले ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो जानवर हैं उनके साथ तस्वीर भी बनाई जा रही हैं, ख़वातीन भी यहाँ पर आ रही हैं। जो बच्चे हैं उन्होंने तो ये कहा हुआ है कि जब तक उनकी ईदी खत्म नहीं होती वो यहाँ से जाएंगे ही नहीं, और अपने पेरेंट्स को जबरदस्ती अपने साथ यहाँ पे खींच के ले आए हैं और खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे खाने पीने का भी जो है वो माहौल है और यहाँ पे बच्चे जो है आइसक्रीम भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे हैं, चिप्स भी खा रहे हैं। तो खाना पीने से जब थक जाते हैं तो झूले लेते हैं, उसके बाद फिर जानवरों के साथ सेल्फियाँ भी बना रहे हैं। तो ये सिचुएशन है कि पेशावर का जो चिड़ियाघर है उसमें काफ़ी ज़्यादा रश हमें दिखाई दे रहा है। जी जी ठीक है, पेशावर से अज़्म रहमान हमारे साथ मौजूद थे अभी।